रूस और यूक्रेन युद्ध के लगभग 25 महीने यानी कि 757 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये युद्ध रुकने की बजाय और लंबा खिंचता जा रहा है। इस पूरी लड़ाई में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और कई शहर पर तो रूस ने अपना कब्जा तक कर लिया है। जब से रूस में पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है, तब से रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर पिछले 6 हफ्ते में सबसे बड़ा हमला किया। रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार 31 मिसाइलें दागी। रूस के हमलों को देखते हुए कई जानकारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी संभावना है कि अगर पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को कोई बड़ी सहायता नहीं दी गई तो हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में ही रूस यूक्रेन पर पूरे तरह से अपना कब्जा कर ले, क्योंकि यूक्रेन की सेना के पास अभी रूस से लड़ने के लिए हथियार तक नहीं है। रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई के बीच इन देशों से भारत के लिए बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो मौजूदा हालात में दुनिया में भारत की कूटनीति को दर्शाती है। दरअसल रूस के सरकारी कार्यालय क्रेमलिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस आने का खुला निमंत्रण है। रूस के प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा कि रूस और भारत के बीच घनिष्ठ संबंध हैं और किसी भी स्थिति में इस साल के पहले 6 महीने में दोनों नेताओं के बीच बैठकें होंगी। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि हमारे लिए भारत को शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेते देखना इम्पोर्टेंट होगा, जिसकी तैयारी इस समय स्विट्जरलैंड में की जा रही है। जेलेंस्की ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर चर्चा की। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा भारत की यात्रा पर इसी महीने आने वाले हैं। यूक्रेन भारत के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में रुचि रखता है, विशेष रूप से कृषि निर्यात, विमानन सहयोग और फार्मास्यूटिकल्स में। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि यूक्रेन भारतीय छात्रों का अपनी यूनिवर्सिटी में वापस स्वागत करना चाहता है। आपको बता दें कि जेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड में जिस ग्लोबल समिट का जिक्र किया है, वो अगले 2 महीनों के भीतर स्विट्जरलैंड में होने वाला है। यूक्रेन रूस विवाद के समाधान को लेकर इस बैठक में, जिसमें भारत भी हिस्सा ले सकता है। यूक्रेन इसके लिए भारत की मदद चाहता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत ही दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसके रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं। इसलिए पश्चिमी देश ये मानते हैं कि अगर रूस और यूक्रेन में कोई शांति समझौता करा सकता है तो वो भारत ही है।